नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं कमल यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ किया सेल्टोस का बेस वेरिएंट। भाई ये वीडियो लाने का जो मेन रीजन हमारा ये है कि आपको अगर डीजल गाड़ी कोई लेनी है ना और आपका बजट जो है वो कम है, आप आफ्टर मार्केट जो है इसमें एक्सेसरी लगवाना चाहते हो, तो उस हिसाब से बेस वेरिएंट एक काफ़ी अच्छी चॉइस जो है आपकी हो सकती है। आज की वीडियो में हम एक डिटेल्ड वॉक अराउंड करने वाले हैं कि भाई आपको 2022 फेसलिफ्टेड वर्जन में आपको क्या क्या चीज़ें जो है किया ने इसमें ऐड कर दिया और क्या कुछ चीज़ों को जो है किया ने यहाँ से हटा दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं एज यूजुअल हम गाड़ी की चाबी से। गाड़ी की चाबी भाई हुंडई किया की चाबी से हमें कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई है। 3 बटन जो है आपको चाबी में मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक, और अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो आपका बूट जो है अनलॉक हो जाएगा। तो ये बातें हो गई चाबी की। चाबी जो है आपको फ्लिप की मिलने वाली है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की जो है भाई आपको चाबी मिल जाती है, इससे आपको कोई भी जो शिकायत नहीं होगी। अगर देखा जाए तो बेस वेरिएंट के हिसाब से भी जो है आपको रिमोट की मिलना ना एक काफ़ी सही डिसीजन यहाँ पर किया गया है। फ्रंट से एक बार आप देख सकते हो भाई, देखने में ना आपको ऐसा कहीं से भी फील नहीं होगा कि ये भाई गाड़ी का बेस वेरिएंट है, क्योंकि आपको जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रे कलर की जो ग्रिल यूज की गई है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, किया की ब्रांडिंग आपको ऊपर मिल जाएगी और प्रोजेक्टर हेड लैंप्स जो है आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको हेलोजन मिलने वाले और ऊपर जो आपको पार्किंग लैंप मिल जाता है, आपको नीचे फोग लैंप जैसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है यहाँ पर, लेकिन बेस वेरिएंट के हिसाब से ठीक है। जो फ्रंट का जो बम्पर है उसमें भी जो है ग्रे कलर को जो है ऐड किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई अपनी गाड़ी के फ्रंट की। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के साइड के प्रोफाइल की। साइड के प्रोफाइल में जैसे ही आप लोग आओगे तो सबसे मेजर जो चीज़ चेंज आपको यहाँ पर मिलेगी वो मिलेगी कि फेंडर के ऊपर आपको जो है टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। ORVM के ऊपर कोई भी टर्न इंडिकेटर नहीं दिए गए हैं, ORVM जो है वो आपको मैनुअल ही फोल्ड करने वाले मिलते हैं और मैनुअल ही एडजस्टेबल मिलते हैं। इसकी बात जो है हम एक बार अंदर जाके करेंगे और अंदर ही जाके मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हो। एक बार टायर साइज आप एक बार देख सकते हो, 16 इंच का जो है आपको रिम मिल जाता है, उसके साथ साथ जो है 205/65R16 का जो है आपको टायर साइज मिल जाता है। व्हील कैप्स जो है वो आपको कंपनी की तरफ से ही दिए जाते हैं। बीच में आप किया गया लोगो देख सकते हो, 5 नट वाला जो है आपको टायर मिल जाता है। टायर साइज की बात करें तो काफ़ी सही मिल जाता है। एक और चीज़ जो आपको किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट से मिल जाती है वो मिलती है भाई आपको 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। रियर में भी आपको डिस्क मिलते हैं। पहले क्या था कि पेट्रोल में आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलते थे, लेकिन अब जो है पेट्रोल में भी आपको 4 डिस्क का ऑप्शन ही मिल जाता है। बेस वेरियंट है लेकिन भाई साहब बॉडी कलर जो है आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। कमी आपको कहाँ मिलेगी, ऊपर आपको रूफ रेल्स नहीं मिलते हैं। अगर आप इसके ऊपर वाले वेरियंट के ऊपर जाते हो तो आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई गाड़ी के रियर के प्रोफाइल की। यार सेल्टोस देखने में ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है गाड़ी लगती है, और आप एक बार गाड़ी को पीछे से आगे से साइड से जहाँ से भी देखोगे ना वहीं से गाड़ी आपको सुंदर लगेगी। एक बार मैं पीछे के फीचर्स की बता देता हूँ। ऊपर आपको जो है शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बेस वेरिएंट है तो ना तो आपको कोई स्पॉइलर यहाँ पर मिलेगा, ना ही आपको रियर डिफोगर, ना ही आपको रियर वाइपर मिलते हैं। लेकिन ये वाली जो आप फिनिश देख रहे हो ना, ये जो ग्लोसी ग्रे कलर का यहाँ पर यूज़ किया है, ये काफ़ी प्रीमियम लगता है और गाड़ी के लुक्स को ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। सेल्टोस की ब्रांडिंग जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है लेफ्ट साइड में, और वेरियंट की बैजिंग आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अब बात करें अगर हम टेल लैंप्स की, तो टेल लैंप्स जो है वो आपको भाई नॉर्मल हेलोजन ही मिलने वाले हैं। इनका जो लुक है वो काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन अगर आप इसके अपर वेरिएंट्स में देखोगे तो वहाँ पर आपको LED टेल लैंप मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो लगते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार भाई रियर बम्पर की। रियर बम्पर एक बार आप देखिए, यहाँ पर जो है आपको मैट ब्लैक मिल जाता है, लेकिन नीचे वही ग्लोसी ग्रे कलर का जो है यहाँ पर यूज किया है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और 4 पार्किंग सेंसर भाई मिल जाते हैं। सोनेट के टॉप एंड वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है किया ने कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है और 4 पार्किंग सेंसर को जो है यहाँ पर ऐड कर दिया है। स्पेयर व्हील जो है वो आपको बूट में मिल जाता है। बूट में एक बार आपको दिखा देता हूँ। बूट खोलने के लिए पहले आपकी गाड़ी जो है अनलॉक करनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको जो है एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, उससे आप अपने बूट को ओपन कर सकते हो। पार्सल ट्रे आपको भाई बेस वेरिएंट में नहीं मिलती है, एज एन एक्सेसरी जो है आप कंपनी से ले सकते हो। और इस तरह आप एक बार देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के मटेरियल से जो है अपने स्पेयर व्हील को कवर किया गया है। स्पेयर व्हील जो है वो आपके चारों टायर के बराबर का ही मिल जाएगा। 205/65R16 का जो साइज़ है वो टायर का आपको यहाँ मिल जाएगा। टूल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये थी स्पेयर व्हील के बारे में। कोई भी बूट लैंप जैसी चीज़ आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलती है। अगर हम बूट के साइज़ की बात करें तो 433 लीटर का जो है आपको बूट मिल जाता है। थोड़ा सा स्पेस जो आपको इधर भी मिल जाएगा और इधर की साइड भी जो आपको स्पेस मिल जाता है। एक हुक जो है वो आपको इधर वाली साइड मिल जाता है।
सेकंड रो को एक बार आप देख सकते हैं सीट को, ये आपको 60-40 के स्प्लिट रेशो में नहीं मिलती है, आपको जो है पूरी सीट फोल्ड करने का फीचर यहाँ पर जरूर मिल जाता है। मैं एक बार इसको फोल्ड करके दिखा देता हूँ। इसको फोल्ड करने के बाद जो आप अपने बूट स्पेस को जो है बढ़ा सकते हो, इसमें कोई भी अगर अपना बड़ा सामान जो आप रखना चाहते हो ना वो आप यहाँ आराम से रख सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई अपने बूट के, इसको कर लेते हैं बंद। अब चलते हैं रियर सीट के ऊपर, वहाँ पर चल के देख लेते हैं क्या कुछ जो है आपको मिल जाता है। दरवाज़ा जो है वो काफ़ी वाइडर यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो इनग्रेस और एग्रेस में कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। गाड़ी में अंदर बैठने के बाद जो पहली चीज़ फील होती है वो है भाई गाड़ी में स्पेस। सेल्टोस में आपको स्पेस की कहीं पर भी कमी फील नहीं होगी। यहाँ पर आप एक बार देख सकते हो नी रूम, ये सामने वाली जो सीट है ना वो मेरी हाइट के हिसाब से सेट है, और एक बार आप नी रूम देखिए यहाँ पर 6.5 फिट का बंदा भी जो है आराम से यहाँ पर बैठ सकता है। और अगर सीटिंग पोजिशन की देखें तो जो अगर आप जैसे हम अभी बैठे हुए ना, तो थोड़ी सी मुझे रेक्लाइन एंगल की थोड़ी सी कमी मुझे यहाँ पर लग रही है, लेकिन एक बार आप ये चीज़ देखिए जो हेडरेस्ट है ना वो आपको यहाँ पर फिक्स्ड मिलने वाले हैं, लेकिन बेस मॉडल के हिसाब से ठीक है यार ये चीज़ें। एमिनिटीज की अगर हम बात करें तो आपको एक कैबिन लैंप यहाँ पर मिल जाएगा हेलोजन, जो पीछे वाली रो के लिए दिया गया स्पेशल। आर्मरेस्ट जैसी चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और नीचे आपको मिल जाता है कि डायरेक्ट यूएसबी पोर्ट, जिससे आप अपना फ़ोन वगैरह जो है चार्ज कर सकते हो। ये फास्ट चार्जिंग को जो है भाई सपोर्ट करता है। बाकी आपको चारों पावर विंडोज़ मिल जाती है बेस वेरिएंट में। थोड़ा सा यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो है यूज़ किया गया है, ग्लोसी एल्यूमिनियम का, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। ये कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है पीछे वाली सीट के ऊपर। तो सेफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई ISO फिक्स चाइल्ड सीट्स आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलती है। अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ पर आपको ISO फिक्स चाइल्ड सीट्स भी मिल जाती है। बीच वाले बंदे के लिए लैप सीट बेल्ट मिलती है, और बीच वाले बंदे के लिए कोई भी हेडरेस्ट जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं ऑफर की जाती है। तो ये कुछ था सेकेंड रो के अंदर। एक बार हम चलते हैं आगे वाली सीट के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं आपको बेस वेरिएंट में क्या क्या कुछ चीज़ें जो है मिल जाती है। तो चलते हैं ड्राइवर वाली सीट के ऊपर, वहाँ पर चल के देख लेते हैं कि भाई आपको क्या कुछ जो है फीचर मिल जाते हैं। एक बार मैं दरवाज़ा दिखा दूँ आपको यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है। पहला जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा ये ORVM आपको जो है मैनुअली एडजस्ट करने के फीचर के साथ यहाँ पर दिया गया है। आपको जो है इतनी महंगी और प्रीमियम गाड़ी के अंदर भी जो ये चीज़ें हाथ से एडजस्ट करनी पड़ेगी यार, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग जो है और कुछ जगह जो है कर लेते भाई, लेकिन इसको यार इलेक्ट्रिकली एडजस्ट अगर दे देते तो बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है ना यहाँ पर हो जाती। लॉक अनलॉक का बटन आपको मिल जाता है, एल्युमिनियम की फिनिश जो है यहाँ पर दी गई है। चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, चाइल्ड पावर विंडोज़ का लॉक का बटन जो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ग्रैब हैंडल या ग्रैब करने के लिए स्पेस जो है आपको कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। कोई भी सॉफ्ट टच आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलते, इसके अपर वेरिएंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी फील मिलते हैं। वहाँ पर जो आपको सॉफ्ट टच लेदर का फिनिश जो है वो भी चीज़ें मिल जाती है। स्पीकर की प्लेसमेंट गाड़ी में दी गई, गाड़ी में आपको जो है चार स्पीकर मिल जाते हैं। इसके ऑडियो सिस्टम की क्वालिटी जो है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, एक बार उसको भी आप चेक कर लेना। एक यार देखो, कंपनी ने सोचा सारी चीज़ें दे दी, ORVM जो है यहाँ पर थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर दी, लेकिन भाई ड्राइवर वाली सीट जो है वो आपको मैनुअली हाइट एडजस्ट करने के फीचर के साथ मिलती है। ड्राइवर का काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पर ध्यान रखा गया है। सीट को मैं थोड़ा सा जो है पीछे कर लेता हूँ ताकि बैठने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। बेस वेरिएंट जो है इसमें हम बैठे हुए हैं, और जो कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो थोड़ा सा ब्लैक की तरफ ही जो है यहाँ पर रखा गया है। ब्लैक है ऊपर हर जगह, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर का जो है यूज किया गया है। तो कॉम्बिनेशन जो कलर का है ना वो थोड़ा सा मुझे उतना अच्छा लग नहीं रहा है। अगर कोई भी लाइट कलर यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसा वो कलर यूज़ किया हुआ है ना वो भी यहाँ पर अगर इंटीरियर्स में ऐड कर देते तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता। अब बात करते हैं भाई स्टेयरिंग व्हील की। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आपको कोई भी लेदर रैप चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। दोनों साइड आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और अगर हॉर्न की बात करें तो एक बार सुनना, ड्यूल टोन में आपको किया का जो सिग्नेचर साउंड है ना हॉर्न का, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। किया की ब्रांडिंग जो आप एक बार स्टेयरिंग के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर जो है ग्लोसी ग्रे कलर का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि इसके लुक्स को इंक्रीज कर रहा है। कोई भी डी कट शेप में आपको स्टेयरिंग नहीं मिलता है। अगर इसके एडजस्टमेंट की बात करें तो भाई जो टिल्ट एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ पर मिलता है। रैक एडजस्टमेंट या टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। स्टॉक की बात करें तो लेफ्ट साइड में जो है भाई आपके वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कोई भी रेंज सेंसिंग वाइपर जैसी चीज़ें नहीं मिलती है। तो भाई गाड़ी में जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हम अपने फ्लिप की को यूज़ करके एक बार गाड़ी को जो है स्टार्ट कर लेते हैं और एसी को ऑन कर लेते हैं। तो गाड़ी को हमने जो है स्टार्ट कर लिया है, एक बार इसको मैं बंद कर दूँ, ये हमने बंद कर दिया म्यूजिक सिस्टम। एसी को हमने कर लिया 2 के ऊपर, और अभी थोड़ी जो है ठंडी हवा जो है आने लगी है।
तो हम स्ट्रोक्स की बात कर रहे थे, इसका मैंने बता दिया रेन सेंसरिंग वाइपर जैसी चीज़ आपको नहीं मिलती है, बेस वेरियंट है, तो आपको मैनुअली जो है वाइपर्स के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। राइट साइड में भाई हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाते हैं, नॉर्मल मैनुअल जो हेडलैम्प है वो आपको मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर भी जो है आपको यहीं पर मिलेंगे, फोग लैम्प नहीं मिलते हैं, तो फोग लैम्प के कंट्रोल्स भी जो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो मैं एक बार आपको दिखा दूँ, एनालॉग और बीच में आपको एक छोटी सी MID मिल जाती है। लेफ्ट साइड में जो आप ये देख रहे हैं आपका टैकोमीटर है, डीजल इंजन आप देख रहे हैं तो 6000 तक जो है इसका ये मीटर है जो वहाँ तक जा रहा है, और ये देख सकते हैं आपका जो टेम्परेचर गेज है ये है, बीच में MID है। इसके फीचर्स की भी हम बात करेंगे। राइट साइड में जो है आपका स्पीडोमीटर मिल जाता है और फ्यूल गेज जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गाड़ी जो अभी रिजर्व में लगी हुई है तो ये वाली जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, ऑन हो रही है। सीट बेल्ट रिमाइंडर और साथ के साथ हैंड ब्रेक जो खींचा हुआ है इस वजह से जो है ये हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है। MID में अगर हम फीचर्स की बात करें तो आप MID को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जिन बटनों की भाई रिक्वेस्ट हम मारुति को सदा से करते हैं ना, वो बटन यहाँ पर हुंडई और किया ग्रुप काफ़ी पहले से जो है दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको बेस वेरियंट से ही मिल जाता है, और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती है उनको आप जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। वो चीज़ें देख लेते हैं। फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर दिखा रही है, फ्यूल की माइलेज की बात और भाई इंजन की बात जो है हम गाड़ी में आगे जाके करेंगे। बेस वेरिएंट है तो बेस वेरिएंट में भी आपको दो इंजन ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, उसकी बातें जो है हम आगे जाके करेंगे हुड के पास। ये बातें हो गई अपनी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। यहाँ पर राइट साइड में बात कर लेते हैं, आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। AC वेंट्स के ऊपर आपको थोड़ी सी ग्लोसी ग्रे कलर की यूज़ जो है वो आपको मिल जाती है। फिनिश ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जो है भाई आपको सेल्टोस के बेस वेरिएंट में भी मिल जाता है, काफ़ी सही चीज़ आपको मिल जाती है। हेडलैम्प लेवलर जो है ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। ये कुछ चीज़ें हो गई, ये बस मैनुअल दे दिया, अगर इसको इलेक्ट्रिकल दे देते तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ना ये वाला वेरिएंट हो जाता। ऊपर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आपको कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं मिलेगा। इसके टॉप एंड्स में यहाँ पर आपको मिड का स्पीकर दिया जाता है। ये चीज़ आप एक बार देख रहे हैं ना, ये पूरा पैनल एक पैनल है जो कि मैट ब्लैक में दिया गया है, और इसी में इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम है। अगर आपको ये वाला म्यूजिक सिस्टम चेंज करवाना है ना भाई, तो आपको ये पूरा पैनल जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा। 2 DIN का आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी है ना वो मैं आपको डाल दूंगा, जो कि ब्लूटूथ सपोर्टेड है, और इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्स बटन जो है आपके स्टेयरिंग व्हील के ऊपर भी मिल जाते हैं, और आपको फिजिकल बटन्स भी जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। इसमें FM AM ब्लूटूथ वाले जो चीज़ें वो आपको मिल जाती है, iPod की कनेक्टिविटी भी जो है आपको इसमें मिल जाती है। बीच में मिल जाते हैं आपके सेंटर के AC वेंट्स। एक और चीज़ अटेंशन टू डिटेल वाली जो मैं दिखाऊँ ना, ये एक बार आप देखिए ध्यान से, ये वाला जो बटन है ना वो भाई ग्लो कर रहा है यार। थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है ना किया ग्रुप, आप यहाँ पर कर लेते ठीक है, लेकिन इनको अगर इलेक्ट्रिकली दे देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये वाली जो टच है ना भाई काफ़ी अच्छी जो है ना ये लग रही है। नीचे AC के मैनुअली कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर ग्लोसी ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। AC को आप अपने यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, सर्कुलेशन बाहर की करनी है अंदर की रखनी, ये कुछ चीज़ें मिल जाती है। AC ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, बाकी कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते हैं। नीचे थोड़ा सा स्पेस फोन रखने के लिए मिल जाता है, कोई भी वायरलेस चार्जर जैसी चीज़ें नहीं मिलती। टॉप एंड्स में यहाँ पर वायरलेस चार्जर आपको मिलेगा, तो यहाँ पर जो है ये स्पेस दिया गया है। नीचे एक पावर सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का, जहाँ पर अभी हमने अपना फ़ोन जो है चार्ज लगाया हुआ है। USB पोर्ट मिल जाता है अपने स्मार्टफोन को इस वाले म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, और एक जो है USB फास्ट जो है चार्जर आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो गाड़ी में टोटल आपको 3 USB के सॉकेट मिल जाते हैं, डायरेक्ट USB के कोई भी टाइप सी के नहीं मिलते, तो ये काफ़ी सही चीज़ आपको मिल जाती है। थोड़ा सा स्पेस अगेन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 6 स्पीड का भाई मैनुअल गेयरबॉक्स जो है यहाँ पर दिया गया है, जो कि बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस जो है वो भाई देता है। बेस वेरिएंट है तो बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल गेयरबॉक्स का ही ऑप्शन मिलता है, तो यार यहाँ पर आप ऑटोमेटिक जो है नहीं ले सकते। अगर आपको ऑटोमेटिक लेने तो इसके अपर वेरिएंट्स में जो आपको जाना पड़ेगा। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ भाई, किया ने कॉस्ट कटिंग यार काफ़ी जगह नहीं की है। बेस वेरिएंट के हिसाब से भी आपको जो है आर्मरेस्ट मिलता है, और वो भी सॉफ्ट टच वाला भाई, ये बहुत सही चीज़ है। मतलब ये हमेशा आपको जो है प्रीमियम फील करवाने वाली जो चीज़ें ना वो यहाँ पर दी गई है। इसमें स्पेस भी जो है भाई आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, तो इसमें अपन फ़ोन वगैरह जो है अलग जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर आप रख सकते हो। अब बात आ जाती है भाई ग्लोबॉक्स की बात करने से पहले एक बार मैं आपको ऊपर दिखा दूं, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ग्रे का जो कलर कॉम्बिनेशन बनाया है ना किया ने, इसको चेंज करके थोड़ा सा कोई और कलर यूज कर सकते थे जो थोड़ा बढ़िया लगता। ग्लोबॉक्स मैं आपको दिखा दूं, कुछ इतने साइज का आपको ग्लोबॉक्स मिलता है, और जो भाई
कूलिंग जैसे फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। ये चीज़ें हो गई सेफ्टी वाइज। अभी किया ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, हालांकि गाड़ी को जो है 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन किया ने जो है सेफ्टी के ऊपर जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, उसकी बातें भी जो है हम बाहर जाके करेंगे। IRVM जो है वो आपको डे नेट बोर्ड के साथ मिल जाता है, यहाँ से जो आप उसको सेट कर सकते हो। अगर वैनिटी मिरर की बात करें तो पैसेंजर के लिए काफ़ी बड़े साइज का वैनिटी मिरर यहाँ पर मिलता है, और सनग्लास होल्डर भी जो है भाई बेस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। केबिन लैंप्स की बात करें तो आपको हेलोजन केबिन लैंप मिलते हैं, इसके जो टॉप एंड्स है उनमें आपको LED केबिन लैंप मिलते हैं। ड्राइवर के लिए कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दिया जाता है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपको टिकट होल्डर मिलते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो कि केबिन की थी, वो मैंने लगभग आपको सारी बातें बता दी। आप एक बार कमेंट करके भाई ज़रूर बताना कि आपको जो है इसका बेस वेरिएंट किया का कैसा लग रहा है। यार देखो, अगर मेरा बजट कम है ना और मुझे एक पावरफुल डीजल गाड़ी चाहिए तो मैं किया सेल्टोस जो है बिल्कुल लेना पसंद करूंगा। यार इसका जो डीजल इंजन है वो काफ़ी कमाल की जो है ना पावर जनरेट करता है, और आपको हमेशा जब भी आप गाड़ी चलाओगे तब के तब जो है आपको गाड़ी में मजा आने वाला है। तो इंजन की बात जो है हम बाहर चल के एक बार कर लेते हैं। एक बार जो मैं हुड को ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, नीचे आपको जो है 3 पेडल्स मिल जाते हैं और एक डेड पेडल मिल जाता है आराम से अपना पैर रखने के लिए। यहाँ से जो है भाई आप अपने हुड को जो है ओपन कर सकते हो। तो चलिए इंजन की बात और जो है सेफ्टी की बात हम आगे चल के कर लेते हैं। तो भाई अगर इंजन की हम बात करें ना, तो आपको बेस वेरिएंट में 2 इंजन ऑप्शन जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। वैसे तो आपको गाड़ी में जो है 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर का जो नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो आपको एक ऑफर में मिलता है। एक आपका जो 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन है वो आपको यहाँ पर ऑफर में मिल जाता है। जो 1.4 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो आपको भाई इसके अपर वेरिएंट्स में मिल जाएगा, बेस वेरिएंट में वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। वैसे भी वो बजट से बाहर चला जाता है, तो इस वजह से बेस वेरिएंट जो है वो जिन लोगों का बजट है ना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। अब बात करते हैं ये वाली गाड़ी की। ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ना, ये भाई डीजल गाड़ी है और ये काफ़ी पावरफुल जो है ना इंजन वो है भाई। 113 BHP की ये इंजन पावर जनरेट करता है और 250 Nm का जो है टॉर्क जनरेट करता है। भाई नॉर्मली ये गाड़ी अपने सेगमेंट में ना हर किसी गाड़ी को ड्रैग रेस में जो है पछाड़ देती है। हमने XUV 300 के साथ जो है इसकी ड्रैग रेस की है, जो कि अपने आप में काफ़ी पावरफुल गाड़ी है, लेकिन उसको भी जो है इस गाड़ी ने जो है पछाड़ दिया था। उस ड्रैग रेस को आप देखने के लिए आई बटन के ऊपर जो है भाई क्लिक कर सकते हो। तो इंजन की बातें ये हो गई। इंसुलेशन मटेरियल का जो है ना यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यूज जो है किया ने किया है। डीजल इंजन है तो थोड़ी बहुत नॉइज़ जो है वो आपको कैबिन में भाई फील होगी, थोड़े बहुत वाइब्रेशंस जो है वो आपको गाड़ी में ज़रूर फील होते हैं। लेकिन हुंडई किया ग्रुप के साथ बढ़िया चीज़ यहाँ पर आपको क्या मिल जाती है कि आपको रैटलिंग नॉइज़ जैसी शिकायत है ना वो आपको गाड़ी में ओवर द टाइम भी आपको नहीं आती है। ये सारी बातें हो गई भाई गाड़ी की। अब बात आ जाती है सेफ्टी की। भाई आपको बेस वेरियंट से ही 4 डिस्क मिल जाते हैं ब्रेक, तो गाड़ी की ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है और स्टेबल ब्रेक है इस गाड़ी के। और गाड़ी में आपको 4 एयरबैग मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से ही। भाई सेफ्टी रेटिंग्स की अगर हम बात करें तो गाड़ी जो है मुश्किल से ही जो है 3 स्टार अचीव कर पाई थी। इसकी बहन जो क्रेटा है ना वो तो पॉइंटों में इससे भी नीचे जो है आई थी, उसको भी जो है 3 स्टार मिले थे। थोड़ा सा बस यहाँ पर जो है किया जो है सेल्टोस है वो थोड़ी सी मात खाती है, बाकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो सब बढ़िया है। तो भाई बात करें अगर कंक्लूजन की ना, तो यार गाड़ी देखो शक्ल से देखने में काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता कि आप सेल्टोस के जो है अपर वेरिएंट्स लो, तो आपके लिए ये वेरिएंट काफ़ी परफेक्ट है। जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक की जो चीज़ें हैं ना वो लगभग आपको यहाँ पर सारी मिल जाती है। तो यहाँ पर मतलब फीचर वाइज भी आपको कमी फील नहीं होगी। एक ORVM अगर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दे देते तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो सारी सही आपको यहाँ पर मिल जाती। तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपका बजट जो है 13 लाख के आसपास है, अगर आप उसी सेगमेंट में उसी बजट में जो है कोई भी गाड़ी लेना चाहते हो तो आप ये गाड़ी कंसिडर कर सकते। अगर बात करें इस वाली गाड़ी के प्राइस की, तो 11,09,000 रुपये जो भाई एक्स शोरूम प्राइस है किया सेल्टोस के HTE वेरिएंट यानी कि बेस मॉडल का और डीजल का ये रेट है एक्स शोरूम। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 12,73,000 रुपये में ये गाड़ी पड़ती है ऑन रोड अपने गुड़गांव में। अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना हो तो आप हमें कमेंट्स में अपनी सिटी का नाम बताइए, हम आपको बता देंगे भाई आपके शहर में ये गाड़ी कितने रुपये में पड़ेगी। तो भाई मेरे हिसाब से मैंने जो है इस गाड़ी को पूरा कवर कर लिया, इसके सारे फीचर जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे जो है हमारा मोटिवेशन जो है वो बरकरार रहता है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, सीट बेल्ट पहनिए। अगर आप जो है 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनिए। तो धन्यवाद दोस्तों।